साइबराबाद में महिला डॉक्टर से दरिंदगी की संसद में सुनाई दी चीख। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ ने कहा, ऐसी दरिंदगी पर कठोरतम सजा हम देंगे। जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने के लिए जो भी प्रोविजन करना होगा यह सरकार वह प्रोविजन करने को तैयार है। स्पीकर ओम बिरला ने साइबराबाद में दरिंदगी पर सदन की तरफ से व्यक्त किया शोक और संवेदना। राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद ने उठाया मुद्दा, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि खाली कानून बनाने से ही समस्या हल नहीं हो सकती। जया बच्चन ने कहा, दोषियों को सार्वजनिक रूप से जनता के बीच दंड दिया जाना चाहिए, जनता को ही करने दीजिए इंसाफ। इस तरह की चीजें कुछ कंट्रीज में होती हैं, वहां पब्लिक इसको जस्टिस देती है। आई थिंक दीस काइंड ऑफ पीपल नीड टू बी ब्रॉट आउट इन पब्लिक एंड लिंच्ड। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा, दोषियों पर किसी तरह की कोई दया ना हो। महिला डॉक्टर से निर्भया जैसी दरिंदगी पर कम नहीं हो रहा लोगों का गुस्सा, आज भी मार्च निकाला गया, फांसी पर लटकाने की मांग की गई। दिल्ली में जंतर मंतर पर आयसा से जुड़े छात्रों ने किया प्रदर्शन, साइबराबाद के दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग। हैदराबाद में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने वेटनरी डॉक्टर से दरिंदगी और हत्या का उठाया मुद्दा, किया प्रदर्शन। राहुल गांधी का ट्वीट, कल्पना से परे यह हवानियत, पीड़ित परिवार के लिए प्रार्थना। रेप केस में आज पुलिस आरोपियों की मांगे की रिमांड, अदालत ने 14 दिन के लिए भेज दिया था जेल, फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई की तैयारी। पुलिस की तरफ से महिलाओं के लिए जारी की गई एडवाइजरी, यात्रा की पूरी डिटेल्स घर में किसी को बताकर ही बाहर निकलना ठीक। डॉक्टर से गैंगरेप और मर्डर केस में इशारों में बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, सिर्फ सरकार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। बीजेपी नेता आनंद कुमार हेगड़े का सवाल, 80 घंटे का मुख्यमंत्री बनकर फडणवीस ने दिया इस्तीफा, चाहते थे वो बहुमत नहीं मिलेगा। आनंद हेगड़े ने कहा, फडणवीस ने 15 घंटे के अंदर केंद्र की तरफ से भेजे गए 40,000 करोड़ रुपए वापस कर दिए, इसी के लिए किया गया पूरा ड्रामा। पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने हेगड़े के बयान को बताया गलत, कहा सरकार चाहे तो वित्त विभाग से करा ले जांच, महाराष्ट्र का एक पैसा भी केंद्र को नहीं लौटाया। ट्रेन हो चाहे कोई और चीज हो, न केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र से कोई पैसा मांगा, न महाराष्ट्र ने कोई पैसा दिया। फडणवीस ने कहा, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट केंद्र के अधीन, इसका पैसा महाराष्ट्र सरकार को नहीं भेजा गया। आर्य कॉलोनी में मेट्रो शेड प्रोजेक्ट पर रोक के बाद अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की समीक्षा का दिया आदेश, सभी प्रोजेक्ट्स की होगी समीक्षा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बयान, महाराष्ट्र की वित्तीय स्थिति पर हम लाएंगे श्वेत पत्र। फडणवीस के 40,000 करोड़ रुपए केंद्र को लौटाने की खबर पर बिफरे संजय राउत, इसे महाराष्ट्र के साथ गद्दारी बताया। सामना की संपादकीय में लिखा, 170 का आंकड़ा बीजेपी की आंख और दिमाग में घुस गया। संपादकीय में बीजेपी को सीधी धमकी, लिखा अब पीछे हटने की आदत डाल लें आप। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हेगड़े के खुलासे पर महाराष्ट्र के कैबिनेट से करूंगा बात, 9 दिसंबर को कर्नाटक से मिल सकती अच्छी खबर। केसी वेणुगोपाल ने हुबली में कहा, जेडीएस के साथ सरकार बनाने का हमारा विकल्प खुला। राहुल बजाज के बचाव में आए कपिल सिब्बल, ट्वीट करके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से किया सवाल। स्वीडन के राजा और रानी सिल्विया 5 दिन के भारत दौरे पर, एस जयशंकर से मिले। जमशेदपुर में कल होगी पीएम मोदी की रैली, तैयारियां जोरदार। झारखंड में चुनावी रैलियों का मौसम, कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज शुरू करेंगे प्रचार। राहुल की पहली रैली सिमडेगा में, झारखंड में एक दौर की वोटिंग हो चुकी है। अमित शाह लगातार कर रहे हैं प्रचार, दोपहर 2 बजे जमशेदपुर में रैली। रक्षा मंत्री राजनाथ भी झारखंड के प्रचार में, सरायकेला में कहा बीजेपी कलेजे वाली पार्टी। झारखंड के जामतारा में विधायक इरफान अंसारी का वोट मांगने का अलग अंदाज। मोबाइल उपभोक्ताओं को लगेगा बड़ा झटका, जियो एयरटेल वोडाफोन ने कॉल रेट 50% तक बढ़ाने का फैसला किया। टैरिफ में 15% से 40% की बढ़त की घोषणा, कल से लागू होंगे मोबाइल के बढ़े हुए रेट। मोबाइल कॉल के रेट बढ़ने के बाद मोबाइल कंपनियों के शेयर में दिखा असर, एयरटेल के शेयर में बढ़ोतरी, वोडाफोन आइडिया के शेयरों में उछाल। कॉल रेट को लेकर प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर हमला, बोली BSNL को किया कमजोर, अब अमीर दोस्तों को पहुंचाया फायदा। पूर्व कैबिनेट मंत्री अरुण शौरी की तबीयत बिगड़ी, पुणे के अस्पताल में भर्ती।
आईआर सीटीसी घोटाले में राउ रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई 7 फरवरी तक टली। लालू तेजस्वी राबड़ी हैं आरोपी। मुस्लिम समुदाय में निकाह और हलाला और बहुविवाह प्रथा के खिलाफ दाखिल याचिका पर जल्द सुनवाई। तमिलनाडु में लोकल बॉडी चुनाव को लेकर डीएमके की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को करेगा सुनवाई। डॉक्टर्स की हड़ताल पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को जारी किया नोटिस। ईवीएम की मांग जांच संबंधी याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज। मौलाना अरशद मदनी अयोध्या फैसले पर दायर करेंगे रिव्यू पिटीशन। 5 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमीयत उलमा ए हिंद मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने को लेकर सबूतों को देगा हवाला। 1949 में मंदिर में मूर्ति रखने ढांचे गिराने का उठाएगा मुद्दा। लखनऊ में बीजेपी नेता अरुण सिंह ने राज्यसभा के लिए किया नामांकन। योगी आदित्यनाथ भी मौजूद। दिल्ली के कनॉट प्लेस में बीजेपी युवा मोर्चा का केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन। मैनिफेस्टो में किए गए वादे पूरे न करने का आरोप। स्वीडन के राजा कार्ल और रानी ने राजघाट में महात्मा गांधी को किया नमन। अहमदाबाद में नित्यानंद का आश्रम खाली कराया गया, बेंगलुरु में शिफ्ट किया गया। कोलकाता में फ्लाइट कैंसिल होने के बाद यात्रियों का हंगामा, सहयोग न करने का आरोप। नहीं घट रहे प्याज के दाम, दिल्ली में होलसेल मंडी में 80 से 90 रुपए किलो प्याज। लखनऊ में सरकारी अधिकारियों ने लगाई प्याज की दुकान, आधार कार्ड देखकर दे रहे हैं प्याज। कोलकाता में प्याज ने लगाया महंगाई का शतक, 100 रुपए किलो के पार प्याज। दिल्ली के मयूर विहार में बड़ा हादसा टला, संदिग्ध कार को रोकने की कोशिश। कार चालक ने भागने के चक्कर में गाड़ियों को मारी टक्कर, फुटपाथ से टक्कर हुई। हरियाणा के पलवल में बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई, कई घायल। टक्कर के बाद फंस गया ड्राइवर, गैस कटर से निकाला गया। नोएडा में जिला बदर अपराधी चंद्रपाल गिरफ्तार, भूमाफिया पर 25,000 का इनाम। महाराष्ट्र के पुणे में पाइपलाइन की खुदाई के दौरान हादसा, गड्ढे में बचाव के लिए उतरे कर्मचारी की मौत। 7 में से 5 मजदूरों का किया गया रेस्क्यू, एक अभी भी फंसा। उत्तराखंड के रुड़की में चलती कार में आग, कार सवार बाल बाल बचा। यूपी के सोनभद्र में 10 महीने के अगवा बच्चे को पुलिस ने किया बरामद, 3 गिरफ्तार। 7 बेटियों के बाद पैदा हुए बच्चे को परिचित नहीं किया था अगवा, कर्ज चुराने के लिए रची थी ये साजिश। यूपी के आजमगढ़ में जमीन विवाद को लेकर अंधाधुंध फायरिंग, 4 घायल। खुरासान के टोंग में नाबालिग की दर्दनाक हत्या, दरिंदों ने मार डाला। यूपी के लखीमपुर खीरी में टिकटॉक वीडियो बनाते समय स्कूल की छत से गिरे 3 छात्र, 3 घायल। यूपी के मिर्जापुर में निकास द्वार से दर्शन पूजन को लेकर पुलिस और पंडों के बीच अनबन। लुधियाना में चलती कार में आग लगी, सुरक्षित बाहर निकले सवार। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में छेड़छाड़ को लेकर गांव वालों का हौसला, आरोपियों को पीटा। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में दूल्हे के घोड़ी पर बैठने को लेकर अगली जाति के दबंगों को एतराज। गांव के दबंगों पर दूल्हे को घोड़े से गिराने का आरोप, 5 घायल। राजस्थान के चूरू में 4 साल की बच्ची से दर्दगी, स्कूल जाते वक्त एक शख्स ने किया अगवा। ओडिशा के मयूरभंज में रेप पीड़ित फिजिक्स लेक्चरर की संदिग्ध मौत। साइबराबाद में महिला डॉक्टर से दरिंदगी पर हरियाणा के गोहाना में प्रदर्शन, दोषियों को फांसी देने की मांग। कोयम्बटूर में दर्दनाक हादसा, 3 मकान ढहे, अब तक निकाले गए 15 शव। बारी में शादी समारोह से 10 लाख के जेवर ले उड़े चोर, सीसीटीवी में कैद। पटना में सेना के एक जवान पर पत्नी और साली की हत्या का आरोप, खुद भी किया आत्महत्या। यूपी के अम्बेडकर नगर में पीट पीट कर युवक की हत्या, प्रेम प्रसंग का मामला। यूपी में आवारा पशु फसल के लिए ही नहीं जिंदगी के लिए भी खतरा बने। अम्बेडकर नगर में नाबालिग लड़की का गैंगरेप, 4 ने किया था अपहरण। अलवर में बीएसपी नेता की हत्या में शामिल इनामी बदमाश गिरफ्तार। फैशन मेले में मॉडल्स ने मधुबनी प्रिंट वाले कपड़े पहनकर किया कैटवॉक। बेंगलुरु में डॉग शो का आयोजन, 30 प्रजातियों के 300 से ज्यादा कुत्ते शामिल। चमोली के नीति घाटी में भारी बर्फबारी की बारिश, बारात निकली।
बर्फबारी के बीच पड्डी टॉप में बढ़ी पर्यटकों की भीड़। हिमाचल के लाहौल स्पीति में जमकर बर्फबारी, शीतलहर बढ़ी। पांडिचेरी में जोरदार बारिश से बढ़ी लोगों की मुश्किलें, पानी जमने लगा। पुडुचेरी में जबरदस्त बारिश, स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी। चेन्नई में लगातार बारिश, कई इलाकों में पानी जमा। रामेश्वरम में भारी बरसात, इलाकों में पानी घुसा। सरकार का दावा, कडलोर जिले से निकाले गए इलाकों में 800 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। चेन्नई के मरीन बीच पर लगातार आ रहा है झाग, केमिकल होने की आशंका। बेंगलुरु में आसमान में से बरसी आफत, कई इलाकों में पानी भरा। अमेरिका के न्यू ऑर्लीन्स में अज्ञात शख्स ने की फायरिंग, 11 लोग घायल। उत्तरी चीन के बड़े इलाके पर बर्फबारी, चीन की दीवार से दृश्य देखने पहुंचे टूरिस्ट। अंटार्कटिका के दौरे पर ले गए चीनी दल ने जारी किया वीडियो, पेंगुइन समेत दूसरे जानवरों की तस्वीरें। उत्तरी अमेरिका के ट्यूनिशियन में महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर विरोध प्रदर्शन। जर्मनी के बुर्नाऊ में क्रिसमस से पहले जुटे सेंटा।